एम्बेडिंग्स डिस्ट्रीब्यूशनल सिमिलैरिटी डिस्ट्रीब्यूशनल सेमेंटिक्स पे जो बात हुई थी, क्या है, किस तरह से फील्ड इवॉल्व हुई और इसके स्टेट ऑफ द आर्ट सॉल्यूशन क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब एक चीज़ जो प्रेजेंटेशन में नहीं है, अभी बातों में आई डिस्कस हुई थी कि हगिंग फेस आपको ये मॉडल्स कहाँ से मिलेंगे जो बर्थ का जिक्र कर रहा हूँ। तो वैसे तो कॉरस्पॉन्डिंग जो जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम बना रही होती है वो अपने गिटहब पे या किसी और जगह पे वो शेयर कर रही होती है, लेकिन हगिंग फेस एक एक ऐसी वेबसाइट है जिसने इन मॉडल्स को रखा है और इन मॉडल्स के ऊपर एक अच्छे रैपर्स बनाए हैं जिन्हें यूज करना ज़्यादा आसान है। और फिर आप उन मॉडल्स को मॉडिफाई करके, यानी इनकी फाइन ट्यूनिंग करके इन्हें रख सकते हैं। फाइन ट्यूनिंग का थोड़ा सा हमने 5-10-8 मिनट की डिस्कशन की थी, मैं उसे पार्ट इसलिए नहीं बना रहा कि वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ऑफलाइन अगर बाद में भी डिस्कशन करना हो तो डिस्कस कर लें। हगिंग फेस यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम देखनी है तो पहले का सोल्यूशन ये है कि आप हगिंग फेस पे जाके देखें क्या उसका बना बनाया प्री ट्रेन मॉडल मौजूद है। अगर मॉडल मौजूद है तो आप उसी को यूज़ कर लें। इस पे सर्चिंग भी आप कर सकते हैं, लैंग्वेज वाइज सर्चिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं उर्दू सर्च करूँ तो अभी 900 मॉडल थे उर्दू के, मॉडल्स दिखाता है ये। देखो ये आपके अच्छा, पास लेफ्ट साइड फिल्टर मेरे उस पे आ रहे थे, हुँ? लेफ्ट साइड पे लैंग्वेजेस का फिल्टर था, वहां पे अगर आप अच्छा, उर्दू चूज करें वहां पे पढ़ना होता है, जैसे ये उर्दू है और पढ़ना ये, ठीक है, ये तो मॉडल्स के नाम पर है ये। इसमें जाकर अगर आप जस्ट उर्दू पे क्लिक करें तो आपको ये उर्दू का ये मॉडल, एक ही मॉडल था जो सिमिलैरिटी के लिए शायद यूज होता है, एंड सो ऑन। हमने जो ये सेंटेंस सिमिलैरिटी के लिए थी, टोकन क्लासिफिकेशन के लिए अगर आप उर्दू का मॉडल देखना चाहें तो ये आपके पास टोकन क्लासिफिकेशन के कितने मॉडल आ गए, 5,000। नहीं, उर्दू अभी क्लिक नहीं हुआ। जस्ट रशियन के लिए अगर आपको देखने हैं तो आपके पास ये 22 मॉडल रशियन के लिए आ गए, एंड सो ऑन। तो ये बेस्ट रिसोर्स है, आप हगिंग फेस में बना बनाया सोल्यूशन मिल जाए तो उसे यूज कर लें, वरना उसकी फाइन ट्यूनिंग कर लें। फाइन ट्यूनिंग के दो तरीके हैं कि आप वेट्स को फाइन ट्यून करें, वेट्स को चेंज करें, या जो आखिरी लेयर पे आउटपुट मिल रहा है आपको एम्बेडिंग्स का, उसको उनको पिक करके एक सिंपल क्लासिफायर बना दें। वो दो सोल्यूशंस हैं, लेकिन वो इसके स्कोप में नहीं है तो मैं इन पे डिस्कशन नहीं कर रहा। अच्छा, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे कि हमारे पास सिस्टम आ गया और अब इसका रिलेशन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से कैसे है। ये मशीन आपके पास अगर अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ें रेलेवेंट है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल से ये चीज़ें किस तरह से रेलेवेंट है, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में हमें और क्या चीज़ें ऐसी चाहिए जो नॉर्मली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोर्स में हम नहीं देख रहे होते। तो एप्लीकेशन इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई कि चेयर और फर्नीचर का अगर हम डिस्टेंस कोसाइन सिमिलैरिटी देखें तो वो बहुत करीब होगी, शॉप और मार्केट की कोसाइन सिमिलैरिटी करीब होगी, वेक्टर की कराची और मलीर के वेक्टर की कोसाइन सिमिलैरिटी करीब होगी, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये है। या हम और भी कर सकते हैं कि टाइटल्स पे, फॉर एग्जाम्पल चेयर शॉप इन कराची को पूरे को सेंटेंस सिमिलैरिटी वाले, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड्स में बताया था कि डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, उसमें पूरा चेयर शॉप इन कराची पास किया, एक सिंगल वेक्टर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ गया। फिर हमने फर्नीचर मार्केट ऑफ मरीज जो डॉक्यूमेंट टाइटल था, जो डॉक्यूमेंट की समरी थी, उसको भी इनकोड कर दिया सिंगल वेक्टर में और इन दोनों को मैच करके देख लिया कि ये कितने सिमिलर हैं और कितने सिमिलर नहीं हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशनल सेमेंटिक्स ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इससे सब एग्री करते हैं? तो अगर इससे एग्री करते हैं तो फिर अब और क्या प्रॉब्लम बाकी रह गई? ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जहां से हमने स्टार्ट किया था।
एक हम सिंपल सा एल्गोरिथम बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं कि कन्वर्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स टू वेक्टर, यानी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम यूजिंग वेक्टर सेमेंटिक्स किस तरह से बनेगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स को हमने के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स बना दिए, टू वेक्टर्स ऐसे होना चाहिए यहाँ पे। कन्वर्ट क्यूरी टू द वेक्टर, क्यूरी का वेक्टर बना दिया। फिर क्या किया, ये जो क्यूरी वेक्टर है उसे वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंट वेक्टर से मैच करते गए, जो मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हुई के नियरेस्ट नेबर्स हुए हमने वो आउटपुट कर दिए, फाइंड सिमिलरिटीज फॉर क्यूरी एंड ऑफ ईच डॉक्यूमेंट, और वो रिटर्न कर दिए। एक सोल्यूशन ये है कि बस सारे डॉक्यूमेंट्स के वेक्टर्स हमने बनाए, क्यूरी का वेक्टर बनाया और उस क्यूरी वेक्टर के नियरेस्ट नेबर्स प्रेडिक्ट कर दिए हमने, तो रैंकिंग भी हो जाएगी उस हिसाब से कि जो नियरेस्ट वह है वो रैंक नंबर वन है, जो सेकेंड नियरेस्ट है रैंक नंबर टू है। प्लस हम ये भी कर सकते हैं कि मॉडल ट्रेन कर दें कि ये दो वेक्टर्स मौजूद हैं तो ये सिमिलर हैं या नहीं है, और डी वन और क्यू सिमिलर हैं या नहीं है, डी टू और क्यू सिमिलर हैं या नहीं है। बर्ट में जो एक चीज मैंने स्किप की है, बर्ट अभी मैंने आपको सिर्फ वन डॉक्यूमेंट वाला बताया था, बर्ट को हम दो डॉक्यूमेंट वाला भी बना सकते हैं कि दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों कंपेयर करके उनके दरमियान में कुछ बता रहा है कि इनमें क्या कोई रिलेशन, क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन का क्या ये आंसर है, या ये भी हो सकता है कि क्या ये दोनों सिमिलर सेंटेंसेस हैं या नहीं। तो हम जो दो चंक वाला जो बर्ट है उसको ट्रेन भी कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट और ये वेक्टर क्यूरी को मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इस डॉक्यूमेंट और इस क्यूरी को मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो हम ये ट्रेन मॉडल्स फॉर दिस कंपैरिजन भी कर सकते हैं या सिंपल सिमिलरिटी चेक भी लगा सकते हैं, तो आउटपुट द मोस्ट सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या कोई प्रॉब्लम बाकी है? यानी हमने डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी स्ट्रिंग को, टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना सीखा, और फिर जो क्यूरी आई उसे वेक्टर में कन्वर्ट किया, और जो जितने भी हमारे पास दूसरे स्ट्रिंग्स थे उन सबसे उनकी सिमिलरिटी मालूम कर ली, और मोस्ट सिमिलर एंड डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमने आउटपुट कर दिए। तो इन अ वे हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन जो प्रॉब्लम बाकी है वो ये है कि इज इट अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, क्या ये सोल्यूशन प्रैक्टिकल है या नहीं है? प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो सकता? प्रैक्टिकल इस वजह से नहीं हो सकता कि आप कह रहे हैं कि मैं एक सर्च इंजन बना रहा हूँ जिस पर बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं क्यूरी से तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये जो सोल्यूशन नज़र आ रहा है ये ट्राई एग्जाम्पल्स के लिए तो सही है, 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, 1000 डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेरिजन करना वो खुद एक मुसीबत है, तो रियल टाइम में नहीं हो सकता। तो फिर इसमें हम इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन, अच्छा ये सोल्यूशन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में भी था, जो क्लासिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल है उसमें भी ये सिस्टम मौजूद है कि क्लासिकल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास आती हैं, डॉक्यूमेंट्स पे आप टेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं, कोई ना कोई स्पैमिंग कर ली, टोकनाइजेशन कर ली, और उसके बाद इंडेक्स क्रिएट करते हैं। यानी हम ये नहीं करते कि जो भी वर्ड मुझे मिला कि मैं बर्ट सर्च कर रहा हूँ तो गूगल जाएगा और एक उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्पाइडर ने रखे हुए हैं एक एक डॉक्यूमेंट खोलेगा और उसमें से वर्ड बर्ट ढूंढ रहा होगा। जाहिर है उसके लिए तो घंटों लग जाए या मिनट, कई मिनट लग जाए रिजल्ट आने में, तो वो मिली सेकेंड में जब रिजल्ट देता है तो उसकी वजह यह है कि इंडेक्सिंग अच्छी हुई हुई है, कि हमने डॉक्यूमेंट्स के वर्ड्स को इंडेक्स किया हुआ है और उन इंडेक्स पे फिर काम हो रहा है। तो क्यूरी जब आती है उस पर भी टेक्स्ट ऑपरेशन होता है, फिर सर्चिंग होती है, सर्चिंग इस इंडेक्स को यूज करती है, वो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स में सर्च नहीं कर रही होती। जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर रैंकिंग होती है, वैल्यूएशन की जगह यहाँ पे रैंकिंग होना चाहिए, और उस रैंकिंग के हिसाब से हम रैंक डॉक्यूमेंट्स ले आते हैं। तो दैट्स वाई, यानी आपको बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डील करना है तो इंडेक्सिंग लाजमी है। आप एक एक डॉक्यूमेंट में वर्ड सर्च नहीं कर सकते, इवन क्लासिकल में भी उसका सोल्यूशन इंडेक्सिंग होती है। और इंडेक्सिंग क्या है, वो जो इन्वर्टेड इंडेक्स का आइडिया है आपके पास कि आपने वर्ड्स में से स्टॉप वर्ड्स माइनस किए और हर वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एप्पल जो है वो डॉक्यूमेंट नंबर 3 में, 5 में और 6 में है, ऑस्ट्रेलिया ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 में आया तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 में है, और डॉक्यूमेंट नंबर 8 में है, डिजिटल जो है वो डॉक्यूमेंट नंबर 2 में आया है, 2 में, 4 में और 8 में। तो अगर फॉर एग्जाम्पल
मुझे डिजिटल क्राइम सर्च करना है तो मैं देखूंगा कि ये वर्ड 2, 4, 8 और 9 और 10 दोनों में है। अच्छा, इसमें तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट इन ऑस्ट्रेलिया अगर मुझे सर्च करना है तो एलिफेंट 1 और 6 में है और ऑस्ट्रेलिया 1 और 8 में है, तो मैं डॉक्यूमेंट नंबर 1 ले आऊंगा जिसमें एलिफेंट भी मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है। तो ये कैलकुलेशन कम है, बजाय इसके कि मैं एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ता हूँ, मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं और उसमें देखता कि एलिफेंट भी मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया भी मौजूद है। तो इंडेक्सिंग इसीलिए करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ये इंडेक्सिंग के एल्गोरिथम्स और इसके साथ अपने डेटा स्ट्रक्चर और डेटा बेस में भी देखा होगा कि इंडेक्सिंग करने के तरीके होते हैं कि स्ट्रिंग्स को इंडेक्स किस तरह से किया जाता है। इवन कोई ये भी नहीं करेगा कि ये जो इंडेक्स है इसे सिक्वेंशली सर्च करे, इसके एल्गोरिथम्स होते हैं, कम से कम बाइनरी सर्च होगी, वरना हैशिंग जो है ना वो बाइनरी से ज्यादा फास्ट होती है। तो इंडेक्सिंग या डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज होते हैं जिसमें करेक्टर बेस्ड ट्रीज होते हैं, तो आपको वो सोल्यूशंस चाहिए। इवन ये जो इंडेक्स बन गया वही कि हमारे पास लाखों, गूगल के पास तो लाखों नहीं शायद करोड़ों वर्ड्स होंगे, यूनिक वर्ड्स, तो अब उसमें भी वो सिक्वेंशल सर्च करेगा तो फिर कई मिनट लग जाएंगे। तो इंडेक्सिंग के इस इंडेक्स को भी सर्च करने के लिए, इस कॉलम को सर्च करने के लिए भी आपको अच्छा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए होता है कि एटलीस्ट बाइनरी सर्च कर ले, वरना हैशिंग अप्लाई कर दें या कोई और टेक्निक यूज कर लें जिससे आप अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं। तो हमारे पास क्लासिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में तो ये सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि आपने इन्वर्टेड इंडेक्स बनाया और जो टर्म्स हैं उनको सर्च करने के भी स्ट्रिंग सर्चिंग के क्लासिकल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं तो उसमें से एफिशिएंटली किस तरह से सर्च किया जाए। हमारी प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि हमने चीजों को बना दिया है वेक्टर्स, तो जो हमारे जो स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग डेटाबेस में, ये जाहिर है ये बहुत टेक्निक यूज हुई, डेटाबेस में जब जिन चीजों का हम इंडेक्स करते थे वो टेक्स्ट होते थे और छोटे टेक्स्ट होते थे, या तो वो कोई आईडी है या कोई नेम है, नॉर्मली हम उनको इंडेक्स कर रहे होते थे, तो 12, 15, 20 करेक्टर्स का टेक्स्ट है उसको इंडेक्स करने के एल्गोरिथम्स डेटाबेस ने इजाद किए हुए हैं, डेटाबेस टेक्नोलॉजीज ने इजाद किए हुए हैं। अब हमारे पास आ गए 50 डायमेंशन या 100 डायमेंशन के वेक्टर्स, 50 से 500 डायमेंशन के वेक्टर्स आ गए, और हर वेक्टर जो है ना वो एक रियल, हर डायमेंशन एक रियल नंबर है। तो जो मैंने एग्जांपल दी थी वो आपको याद होगा, 4.29 पहले डायमेंशन है, 3.604 दूसरी डायमें है, -4.605 तीसरे है, तो आपके पास रियल नंबर्स हैं और वो भी 50 डायमेंशन का या 200 डायमेंशन का वेक्टर हमारे पास मौजूद है। उन डायमेंशंस की इंडेक्सिंग कैसे होगी? सिक्वेंशियल सर्च तो प्रैक्टिकली कोई सिस्टम नहीं चल सकता। सिक्वेंशियल सर्च अगर आपको अप्लाई करनी है, और यानी ये जो एल्गोरिथम बताया ये ट्राई पे तो बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन जब आपके पास बिलियंस ऑफ एग्जांपल्स हो तो उस पर नहीं चलेगा। क्लासिकल सिस्टम भी नहीं चलते थे, उसमें इंडेक्सिंग के एल्गोरिथम्स ढूंढ लिए गए, ठीक है। क्लासिकल डेटाबेसिस में भी आप सर्च करते थे तो वो सिक्वेंशियल सर्चिंग नहीं हो सकती थी, तो वहां पे भी जो डेटाबेस की जो इंडेक्सिंग होती है, एफिशिएंट इंडेक्सिंग, वो इसीलिए की जाती है। तो अब मेजर प्रॉब्लम हमारे पास ये आ गया, हाउ डू वी क्रिएट इंडेक्स एंड अप्लाई सर्च या कंपैरिजन फॉर बिग लिस्ट ऑफ एक्टर्स, और हमारे पास एग्जांपल्स अब बिलियंस हैं, और हो सकता है कि गूगल वगैरह के पास तो ट्रिलियंस एग्जांपल्स हो, गूगल फेसबुक ट्विटर के पास ट्रिलियंस टेक्स्ट एग्जांपल्स हो, तो अब उसमें बिलियन स्केल पर हमारे एल्गोरिथम्स किस तरह से डील कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन है। इसके आंसर के वेक्टर को किस तरह से इंडेक्स किया जाए और किस तरह से एफिशिएंटली सर्च किया जाए, उसके सोल्यूशन एक जो जनरल अम्ब्रेला टर्म है इसके लिए, वो अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर है। मैंने कहा था वो जब एल्गोरिथम डिस्कस कर रहा था कि हम के नियरेस्ट नेबर अप्लाई कर सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ एन है, अगर एन डॉक्यूमेंट्स हैं तो एन कंपेरिजन्स के बाद, एन ऑपरेशंस के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर एन बिलियन हो तो 1 बिलियन, अगर ट्रिलियन हो तो 1 ट्रिलियन कैलकुलेशन करनी, तो हमें कोई अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर चाहिए जो एग्जैक्ट नियरेस्ट नेबर चाहे ना ला के दे रहा हो लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट दे रहा हो, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन से बहुत कम होनी चाहिए। ओ लॉग एन हो सकता है, यानी सबसे सिंपल बाइनरी सर्च, लेकिन बाइनरी सर्च हम कह दिया, वेक्टर्स को बाइनरी सर्च कैसे करेंगे? स्ट्रिंग को बाइनरी सर्च का तो तरीका होता है, वेक्टर्स की बाइनरी सर्च का तरीका क्या होगा? और वेक्टर भी वो रियल नंबर्स का, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का वेक्टर है,
वो स्ट्रिंग वो इंटीजर का वेक्टर भी नहीं है, तो बाइनरी सर्च नहीं चलेगी। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स तो हमारे पास मौजूद हैं, बिलियंस ऑफ वेक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन 100 कंपैरिजन, 1000 कंपैरिजन में रिजल्ट्स आ जाए, आपको बिलियंस ऑफ कंपैरिजन पे रिजल्ट ना जाना हो। तो इसके लिए फिर अप्रोक्सीमेट नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम्स और सॉल्यूशंस मौजूद हैं। जस्ट मैं यहाँ पर आपको उनके नाम दे रहा हूँ कि ट्रीज एनॉय है, इस पे जाके देखिएगा तो आपको ये जो लिंक है, ये इस लिंक पे जाके आप देखिएगा तो आपको इनके पॉइंटर्स मिल जाएंगे कि इनकी डिटेल क्या है और इनकी लाइब्रेरीज क्या है। ट्रीज के जरिए हो सकता है, ग्राफ्स के जरिए हो सकता है, क्लस्टरिंग के जरिए हो सकता है, हैशिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ हैशिंग से हो सकता है, वेक्टर कंपैरिजन से हो सकता है, एंड सो ऑन। ये मल्टीपल सॉल्यूशंस मौजूद हैं, जस्ट मैंने नाम दे दिए और एक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। फाइस जो है ना वो फेसबुक एआई सिमिलैरिटी सर्च फाइस है। आइडिया इसका सिंपली ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, तो डाटा को कम करने के लिए हमने उसकी अनसुपरवाइज लर्निंग कर दी, उसकी क्लस्टर्स बना दिए। तो ये जो सेल्स हैं एक तरह की क्लस्टर्स हैं, हमने अनसुपरवाइज लर्निंग के हिसाब से उसके क्लस्टर्स बना दिए और उन क्लस्टर्स के सेंट्रॉइड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो के मीन्स वाला जिस तरह से है या कोई और मेथड्स, हमने क्लस्टर्स बना दिए और उन क्लस्टर्स से के सेंट्रॉइड मौजूद है। तो अब मेरे पास जो क्यूरी आई, फॉर एग्जाम्पल 1 बिलियन एग्जाम्पल्स थी, 1 बिलियन एग्जाम्पल्स को मैंने 1000 क्लस्टर्स बना दिए। तो अब वो 1 बिलियन डिवाइडेड बाई 1000, हर सेल में 1 बिलियन डिवाइडेड बाई 1000 एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अच्छा, हर क्लस्टर का एक सेंट्रॉइड है, यानी वो सेंटर है, ये सेंटर जो है ना इस क्लस्टर में मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो सेंटर है वो दूसरे उस क्लस्टर में मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो मेरी क्यूरी आई उसे हर डॉक्यूमेंट से इंडिविजुअली मैच करने के बजाय हम क्लस्टर के सेंट्रॉइड से मैच करेंगे। जो नियरेस्ट हुआ उसमें, उस क्लस्टर के अंदर जाकर फिर उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जाहिर है 1000 क्लस्टर्स बना दिए, 1 बिलियन डिवाइड बाई 1000, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, तो उसमें कम डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें 1 by 1 मैप कर लिया, मैच कर लिया, या क्लस्टर के अंदर फिर सब क्लस्टर्स बना दिए, एंड सो ऑन। तो हमारे पास इस तरह के सॉल्यूशंस मौजूद हैं कि पहले डेटा को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया, उस चंक के अंदर मजीद चंक्स सब चंक्स किया, और वो सब चंक्स ने जो डॉक्यूमेंट्स शॉर्टलिस्ट कर दी उनमें जाके सर्चिंग कर दी। तो ये एक सॉल्यूशन मौजूद होता है। तो ये हमारे पास 4-5 सॉल्यूशंस हैं कि जब आप बिलियंस ऑफ वेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर्स पे काम कर रहे हैं, तो आपको इनमें से कोई एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ता है। और भी तरीके होते हैं, हाइब्रिड सिस्टम होते हैं कि आपने क्लासिकल सिस्टम बनाया हुआ है कि किसमें डॉक्यूमेंट आ रहा है, किसमें वो आ रहा है, और उससे आपने फिर आगे चले गए, लेकिन क्लासिकल सिस्टम नॉर्मली नहीं चल रहे होते। अच्छा, बने बनाए फाइस का कोड ये मौजूद है, और तो फाइस का कोड अगर ये देख लें, इस पर क्लिक करें, तो अगेन रूल ऑफ थंब ये होता है कि जो चीज बनी हुई मौजूद है आप उसे यूज कर लें। तो ये कोड है, और ये जस्ट मैंने आधे घंटे में चीजें ढूंढी थी। तो ये कोड इमेजेस को सर्च करता है, ये टेक्स्ट को सर्च नहीं करता, लेकिन इमेजेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया गया और वेक्टर्स को सर्च कर रहा है। लेकिन आप यहीं से आइडिया देख सकते हैं, ले सकते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट के वेक्टर्स हों तो उसको किस तरह से सर्च किया जा सकता है। तो ये कोड मौजूद है एक। अच्छा, अब तो ये, अच्छा अब ये जो हमने काम, एक तरह से ये इंट्रोडक्शन हो गया कि इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में और किस तरह से डील कर रहे हैं। एक और लाइब्रेरी का नाम मैं, मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं शेयर कर दूंगा। बना बनाया सॉल्यूशन है जिस रिट्रीवल का, जिसमें रिट्रीवल इंजन भी मौजूद है और उसमें वेक्टर कंपैरिजन भी मौजूद है। आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं लिखना भी भूल गया शायद। और अच्छा, अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आ गया, इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में मजीद हम क्या काम कर सकते हैं। क्लासिकली
इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो है ना वो टेक्स्ट बेस्ड रिट्रीवल की बात हो रही होती है, यानी हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है और उस पर रिट्रीव करना है, और अगर आप 20 साल 30 साल 40 साल पीछे चले जाएं तो जाहिर है हमारे पास वेब पर हमारे पास या नॉर्मली हमारे पास टेक्स्ट डाटा ज्यादा होता था और उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते थे, लेकिन वर्ड इंफॉर्मेशन और टेक्स्ट जो है वो सिनोनिम नहीं है, यानी वो एक ही नहीं है। इंफॉर्मेशन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें से कुछ टेक्स्ट है, लेकिन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियो भी हो सकती है। और आज के दौर में सोशल मीडिया के दौर में हम लोग व्हाट्सएप फॉर एग्जांपल सब यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेजेस कम टाइप किए जाते हैं जो सोशल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, उसमें लोग ऑडियो मैसेजेस ज्यादा कर रहे होते हैं कि फौरन आपने ऑडियो मैसेज भेजा और उसका रिप्लाई आ गया। तो अब ऑडियो में चीज़ें ज़्यादा मौजूद हैं, इसी तरह से लोग टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, दूसरी तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास या इतने चैनल्स मौजूद हैं जिसमें डिजिटल कंटेंट्स जो क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके पास वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट और पिक्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो रिट्रीवल सिर्फ टेक्स्ट के लिए नहीं है, अब पिक्चर ऑडियो वीडियो के लिए भी है। तो सर्च इंजन अगर आज बनाना है किसी को तो टेक्स्ट बेस्ड नहीं बनाना, उसे पिक्चर वाइज भी बनाना है, ऑडियो वाइज भी बनाना है, पिक्चर वीडियो वाइज भी बनाना है। इवन आप गूगल में देखें तो गूगल में इमेज सर्च होती है, आप इमेज दें तो वो सिमिलर इमेज सर्च करके ले आएगा, और यूट्यूब में जो गूगल की प्रोडक्ट है ऑडियो सर्च है, आप कुछ बोल कर वो चीज़ उस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो एक पूरी टेक्स्ट बियॉन्ड टेक्स्ट के आप पिक्चर ऑडियो वीडियो पे भी काम किया जा सकता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में। और जो अभी मैंने इस सेशन में जो पिछले 10-15 मिनट में जो चीज़ें डिस्कस की वो हमें बताती है कि ये काम भी आसान हो सकता है कि हम पिक्चर्स ऑडियोज एंड वीडियोस को डेंस वेक्टर्स में कन्वर्ट करें। ये पूरी एक फील्ड है कि पिक्चर को डेंस वेक्टर में किस तरह से कन्वर्ट करें। पिक्चर आप कह सकते हैं कि बिटमैप जो होता है वो पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर तो मौजूद होती ही है, लेकिन वो डेंस वेक्टर नहीं होती कि उसमें बहुत, तो आप एक पिक्चर को 50 डायमेंशन के वेक्टर में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके तरीके हैं, वो डीप लर्निंग का एक अलहदा है। ऑडियोज को किस तरह से कर सकते हैं उसके क्लासिकल तरीके भी हैं और डीप लर्निंग मेथड्स भी हैं। फिर वीडियोज को किस तरह से कर सकते हैं वो भी चीज़ें मौजूद हैं। तो आप पिक्चर्स ऑडियोज या वीडियोज को वेक्टर्स में कन्वर्ट करें, और उसके बाद यही सर्चिंग मेथड्स पिक्चर्स पे भी अप्लाई हो रहे हैं, ऑडियो पे भी अप्लाई हो रहा है, वीडियो पे भी अप्लाई हो रहा है। तो ये जो प्रीवियस स्लाइड्स हैं उससे भी रेलेवेंट है। जो चीज़ मिसिंग है वो आपको ये लर्न करना है कि पिक्चर को वीडियो को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं डेंस वेक्टर में। जो डीप लर्निंग का आप कोई भी कोर्स देखें तो उसमें भी इमेज प्रोसेसिंग, ये जो इमेज प्रोसेसिंग कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन वाली बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही होती है। ऑडियो में देखें तो लाइब्रेरीज वो भी मौजूद हैं, हकिंग फेस पे जाएं तो आपको ये लाइब्रेरीज मिल जाएंगी एंड सो ऑन। तो ये बियॉन्ड टेक्स्ट बेस्ड रिट्रीवल एक और ऑप्शन है। तो जस्ट कंक्लूजन, वेक्टर्स एंड टेक्स्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डेंस वेक्टर, ये हमने लर्न कर लिया। दीज वेक्टर इंक्लूड सेमेंटिक फीचर्स, तो ये सेमेंटिक फीचर्स, एक तो रिप्रेजेंट करना हमने वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख लिया, और वो सेमेंटिक्स को, यानी वो ये नहीं लिखते कि उसकी, ये नहीं इनकोड कर रहे होते कि उसकी स्पेलिंग क्या है, क्योंकि हमारे पास जो लिखा हुआ है वो तो स्पेलिंग है, डब्ल्यू ओ आर डी लिखा हुआ है, लेकिन स्पेलिंग से ज़्यादा उसकी सेमेंटिक्स की डीप मीनिंग क्या है वो इनकोड कर रहे होते हैं। फिर डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, आजकल जो स्टेट ऑफ द आर्ट सोल्यूशन है वो डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के जरिए हम करते हैं। और फिर फोर्थ चीज़ के इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की फील्ड में हमें नया एल्गोरिथम चाहिए जो वेक्टर बेस्ड इंडेक्सिंग और सर्चिंग में यूज़ हो रहे हैं। तो नए एल्गोरिथम डिवाइस किए गए हैं इस काम के लिए जो पहले मौजूद नहीं थे। तो ये आज की समरी है, एनी क्वेश्चन, और अगर आपको कोई बाद में कोई आउटपुट चाहिए तो आप इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन शेयर आपके साथ हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने अभी बोला कि हमारे पास रिट्रीवल सिस्टम वीडियोस के ऊपर और इमेजेस के ऊपर ऑलरेडी हमारे पास है, तो करंटली सर इमेजेस रिट्रीवल सिस्टम के अंदर और वीडियो रिट्रीवली आईआर सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए?
अच्छा इमेजेस के तो आप गूगल इमेजेस पे जाके देखें या तो आपको सिस्टम मिल जाए, वो तो आपको चलता हुआ मिलेगा बड़े आराम से। वीडियो में यानी इमेज होता है वो उसे न्यूरल नेटवर्क से, रफ आइडिया ये है कि आपके पास एक पिक्चर आई, उसको न्यूरल नेटवर्क से पास किया उसके बिट मैप को और उस कलर्स वगैरह को, और उसके बाद उसने पूरी पिक्चर को रिप्रेजेंट कर दिया एक वेक्टर की फॉर्म में। वीडियो इसलिए डिफरेंट हो जाती है कि वीडियो में मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, तो पूरी वीडियो मल्टीपल स्टैटिक फ्रेम्स से मिलके बनी है, तो उन सबको मिला के सिंगल डील करना या वो सब अलहदा अलहदा हैं या 10 फ्रेम्स को मिला के आपको एक फ्रेम पे डील करना है, तो ये वीडियो की कॉम्प्लेक्सिटी जाहिर है बढ़ जाती है। इसी तरह से ऑडियो की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि पूरी ऑडियो को डील करें या उसके छोटे से पार्ट को डील करें। तो वीडियो इमेज वाला तो सोल्यूशन आपके पास मौजूद है सिंपली, वीडियो में फिर वो ही हो जाता है कि आपको सोल्यूशन किस तरह का चाहिए। आपको वीडियो में से ये चाहिए कि जिसमें एक मतलब टोयोटा करोला गुजर रही है वो देखना है, या कौन सी ऐसी है जिसमें एक बिल्ली गुजर रही है वो देखना है, या आपको वीडियो सर्च में ये देखना है कि कोई चीज गुजर रही है, एक तो क्या उसमें बिल्ली मौजूद है या टोयोटा करोला मौजूद है ये आप सर्च करें, या ये है कि उसमें चलती भी टोयोटा करोला है या रुकी भी टोयोटा करोला है। ट्रैफिक सिग्नल है तो रेड के बाद, रेड पहले रेड था उसके बाद वो ऑरेंज हुआ, जब हुआ वो वाला सीक्वेंस ढूंढना है, या पहले ऑरेंज था उसके बाद रेड हुआ वो वाला सीक्वेंस ढूंढना है। तो फिर वीडियो की में हमारी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं कि हमें किस तरह की चीज देखनी है। एक ये है कि ट्रैफिक सिग्नल कौन सा है, दूसरा ये है कि हमें ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें पहले रेड सिग्नल हो उसके बाद वो ऑरेंज हो जाए, या हमें ऐसी वीडियो देखनी है जिसमें पहले ऑरेंज सिग्नल है जो रेड हो जाए, तो देन ये है। और अगेन जिस तरह से मैंने कहा कि टेक्स्ट बेस्ड में इंट्रोडक्शन करने के लिए ये 1.5 घंटा लगाया, लेकिन अगर वैसे चाहते हैं तो हमें 6 क्लासेस देखनी पड़ती। तो जो इमेज प्रोसेसिंग, इमेज इमेज प्रोसेसिंग नहीं, जो पिक्चर्स को डील करना है, ऑडियो को डील करना है और वीडियो को डील करना है, इनके लिए भी मेजर प्रॉब्लम्स के लिए आपको 1.5 घंटे की हाई लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए, वरना वही है कि इसे तो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। हाँ दूसरी चीज, एक चीज और मैं, कि ये आपका एक तरह से फूड फॉर थॉट है कि इन अवे, शायद मैंने इसका जवाब दे भी दिया था बीच में, कि ये 3 टर्म्स हैं डिस्ट्रीब्यूशनल सेमेंटिक्स, वेक्टर सेमेंटिक्स और एम्बेडिंग, तकरीबन ये सिनोनिम यूज होती हैं। आपको सोचना यह है कि क्या ये सिनोनिम है या इनमें कोई फाइन डिफरेंस है, क्योंकि ये वर्ड्स आपको मिलेंगे और तकरीबन ये एक दूसरे के सिनोनिम है, तो ये आपको सोचना है कि ये तीनों सिनोनिम हैं या नहीं है, या इसमें क्या फर्क है। अगर आप कोई वर्ड यूज करना चाहते हैं तो इन तीनों में से कौन सा बेहतर होगा एंड सो ऑन। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आपने छुट्टी के दिन इतना सारा टाइम निकाला। बहुत सारे लोग बीच में आपसे मिलने जा